छोटा हो या बड़ा, इसे सजा के रखना हम सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। बट ऐसा नहीं है कि घर को सजाने के लिए हमें बहुत सारे पैसे को खर्च करना पड़े, बहुत ज्यादा मेहनत लगे। तो इन दोनों चीजों को थोड़ा सा साइड रख के आज हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करेंगे, देखेंगे कि हम अपने घर को जीरो कॉस्ट में किस तरह से वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही मजेदार वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आजकल हम सभी इस तरह के डबल टेप एडहेसिव हुक का इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज को वर्टिकली हैंग करने के लिए, ये परफेक्ट होता है। बट कुछ दिनों के बाद इसकी एडहेसिव हट जाती है, ऊपर जो भी चीज इसमें लगा हुआ रहता है वो हट जाता है, जिस कारण से ये यूजलेस हो जाता है। बट आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से रीयूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको दो तीन ऑप्शन दूंगी कि आप इसे किस तरह से रीयूज कर सकते हैं। तो फर्स्टली आप इस पे किसी भी तरह का स्टिकर लगा सकते हैं। सेकंड, आप इसमें ग्लिटर फोम सीट से कुछ भी फ्लावर बना के आप इसमें लगा के इसे एक अच्छा लुक दे सकते हैं। थर्ड, आप इस तरह की हैप्पी इमोजीज लगा सकते हैं इसमें। एंड फोर्थ, जो इसके लुक को बिल्कुल ही चेंज कर देगा कि आप जो शादी वाले कार्ड में जो इस तरह के गणेश जी भगवान के स्टिकर आते हैं या उसमें लगे रहते हैं, आप उस चीज़ को इसमें लगा के इसके लुक को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी वहाँ पर लगने लगता है। तो फिलहाल इन सारे ऑप्शंस में मैं आपको ये शादी के कार्ड वाला ऑप्शन मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। सिंपल से फेविबॉन्ड लेंगे और इसे इसमें लगाएंगे। तो ऊपर का पोर्शन तो अच्छी तरह से देखिए ये कवर हो गया, बिल्कुल एक्सपेंसिव लग रहा है। एंड ये पीछे वाले की भी इसकी एडहेसिव जा चुकी है, तो यहाँ भी मैं फेविबॉन्ड का इस्तेमाल करके इसे लगा रही हूँ। तो बस ये बिल्कुल अब न्यू हो गया। आप इसे कहीं भी वर्टिकली हैंग कीजिए, कुछ भी इसमें हैंग कीजिए, ये पहले से भी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग हो जाता है। अभी रिसेंटली मैं मार्केट गई थी तो टंग क्लीनर मैंने लाया, कि स्टील एंड कॉपर वाले टंग क्लीनर मैं इस बार लेके आई हूँ। जनरली मैं प्लास्टिक वाले टंग क्लीनर यूज़ करती हूँ, बट वहाँ पर आज ये अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने स्टील एंड कॉपर वाले टंग क्लीनर को लाया है। तो स्टील वाले टंग क्लीनर में क्या होता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि कौन सा टंग क्लीनर किसका है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ही मिक्सअप हो जाता है। अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर एक नेल पेंट लीजिए एंड नेल पेंट से आप इसे थोड़ा सा कलर कर ले, उसके बाद आपको पता रहेगा कि कौन सा वाला किसका है। जैसे मैंने ये अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर लिया है कि रेड वाला मेरा है एंड कॉपर वाले बेबी का है, एंड ये जो मैंने एक और कलर को रखा है ये तुम्हारा है। इस तरह से चीज़ें मिक्सअप नहीं होती है एंड हम अपनी चीज़ों को डिनोट भी कर सकते हैं। मेरे बालकनी में एक वॉश मशीन है जहाँ पर हम फ्रेशअप होते हैं, लाइक फेस वॉश करना हो या ब्रश वगैरह करना हो, तो बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर एक बास्केट लिया है, इस वाले ऑर्गेनाइज़र में मैं बहुत सारी चीज़ें रखूँगी, चाहे जैसे वो स्क्रबर हो गया, फेस वॉश हो गया, फेस मास्क हो गए, पील अप मॉस हो गए, गुलाब जेल हो गया, कुछ मॉइस्चराइज़र हो गए जो हमारे डेली वेयर में यूज़ होते हैं, जिसे मैं डेली एसेंशियल वे में अप्लाई करती हूँ, एंड कुछ एलोवेरा जेल हो गए। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ मुझे बालकनी में बहुत ज़्यादा पड़ती है। जब मैं वॉश मशीन पर जाती हूँ तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है जब मैं इन सारी चीज़ों को बाथरूम में रखूँ या कहीं और रखूँ, तो इसलिए मैंने इसका बेस्ट तरीका निकाल लिया है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने एक ऑर्गेनाइज़र में डाल दिया है और इसमें मैं लगा रही हूँ एस हुक। एस हुक लगा के मेरे बालकनी में इस तरह की रॉड दी है, मेरा आयरन रॉड है ये, तो इस आयरन रॉड में इसे मैं हैंग कर दूंगी और बहुत ज़्यादा टाइम तो बचता ही है, प्लस इससे बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। तो यहाँ पर एक और बास्केट आप देख रहे होंगे, उसमें मैंने अपने लॉन्ड्री के बहुत सारे आइटम रखे हैं। चूँकि हमारे बालकनी में वॉशिंग मशीन भी है, तो वॉशिंग मशीन से रिलेटेड जो भी लॉन्ड्री के आइटम होते हैं वो मैं उस बास्केट में रखती हूँ, और अपने फेस से रिलेटेड, अपने हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी आइटम होते हैं वो मैं इस बास्केट में रखती हूँ। तो इस तरह से वर्टिकली हम अपनी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। ऐसा करने से चीज़ें आपके ऑर्गेनाइज तो रहेगी रहेगी, प्लस आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बचता है। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखिए, आपका घर लंबे दिनों तक मेंटेन रहेगा। हम सभी के घर में कुछ पूजा के फूल तो बच ही जाते हैं, और मैंने उन फूलों को दो दिन धूप में इस तरह से सुखा लिया है। उसके बाद मैं इसमें कपूर डाल रही हूँ। यहाँ मैं भीमसेनी कपूर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल कपूर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इन्हीं सूखे फूलों से हम एक बहुत ही अच्छा धूप बनाएंगे, होममेड धूप रहेगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, प्लस ये इको फ्रेंडली भी है। तो इन सारी चीज़ों को हम एक मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लेंगे, एंड पीसने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ घी, एंड उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मधु।
ये सारी चीज़ें पूजा में ही यूज़ होती है। और इस तरह से जब आप इको फ्रेंडली धूप बनाते हैं तो हमारे नेचर के लिए तो अच्छा है ही, प्लस ये हमारे घर को बहुत ही अच्छी खुशबू देता है जो बाजार के धूप में हमें नहीं मिलती है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसे आइस ट्रे के अंदर ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी और नेक्स्ट डे हम इसे जनरल धूप की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने कैसे ज़ीरो कॉस्ट में घर के लिए बहुत ही सुंदर धूप बनाया। सुबह शाम इसे आप धूप कर सकते हैं, पूजा में यूज़ कर सकते हैं, अपने घर को एक फ्रेग्रेंस देने के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो किसी भी चीज़ को फेंकने से अच्छा है कि हम उसे रीयूज़ कर ले। तो ये आरव का वाटर बॉटल है जो हल्का सा टूट गया ऊपर से एंड इसे वो अब यूज़ नहीं कर रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, मुझे इसे फेंकने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है और इसमें इतने सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइन दिए कि मैंने सोचा कि इसे एज इट इज़ ही यूज़ करूँगी। तो आपके घर में भी अपने बेबी की कोई भी वाटर बॉटल हो तो आप उसे फेंकने से अच्छा रीयूज़ करके देखिए, ये बहुत ही अच्छा लुक आपके किसी भी घर के एरिया को दे सकता है। तो फर्स्ट वे में आप इसे कटलरी वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने किचन के चम्मच हो गया, फोक हो गया, वो सारी चीज़ों को रखने में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, आप इसमें मनी प्लांट को प्रोपिगेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मनी प्लांट को प्रोपिगेट करने का सिंपल सा तरीका है कि बस आप मनी प्लांट की कटिंग को इस तरह से ले लें, जहाँ भी आपको रूट्स दिख रही है आप उसमें इसे रख लें और जिस भी चीज़ में रखें आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप इसे प्रोपिगेट होने के लिए छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ज़ीरो कॉस्ट में आप अपने घर को ऑर्गेनाइज तो कर ही सकते हैं, प्लस आपका घर भी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन लगेगा। तो अगर आपको मेरे ये सारे आइडियाज़ पसंद आए तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। एंड आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं कि आप मेरी न्यू वीडियोस में क्या देखना पसंद करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।